गाइस तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं कुछ करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताऊंगा जो कि मई मंथ के हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं क्विज। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत इंडिया फर्स्ट इंडिगनीज एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना है यानी कि जहाँ पर जहाज उतरेंगे चढ़ेंगे वो हमारा INS विक्रांत बना है। इग्निशियस एयर दोस्तों, ये सेकंड सी ट्रायल था, इंडियन फर्स्ट इग्निशियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो इंडिगनीस एयरक्राफ्ट कैरियर बना है IAC, इसको बोलते हैं विक्रांत बना है, INS विक्रांत है इसका। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन नेवी अगस्त नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2023 में इंडियन नेवी ये एंटिसिपेटेड इंडक्शन का है। इसमें इन अगस्त 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वारशिप सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फाइव डे मेडन सी क्रूज हुआ है। 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में लार्जेस्ट है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड जो ये वारशिप बनी है, इंडियन की जो INS विक्रांत वारशिप बनी है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई गई है। INS विक्रमादित्य इज द ओनली फर्स्ट क्राफ्ट कैरियर एट द मोमेंट, इंडिया के पास सिर्फ एक ही एट द मोमेंट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम INS विक्रमादित्य। MiG-29 के फैक्टर जेट कॉमेट 31 हेलीकॉप्टर एंड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर विल बी यूज इन, जो वॉरशिप में जो यूज होंगे वो ये हेलीकॉप्टर से, जैसे कि MiG-29 के कैमोव 31 MH-60R यही। नेक्स्ट 14 मई के जो हमारा अपडेट आया था आप करंट अफेयर, तो INS सूरत INS उदिगरी, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था 2 फ्रंट लाइन वारशिप की थी इंडियन नेवी एट मैजोन डॉक्स लिमिटेड मुंबई ऑन May 17। तो INS सूरत इन द फोर्थ एंड द लास्ट डिस्ट्रॉयर अंडर द प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट बनाए गए थे अलग अलग 15 भी, जैसे कि 17 है तो ये प्रोग्राम्स किए गए थे सी के अंडर। तो सूरत इज द फोर्थ शिप टू प्रोजेक्ट 15 वी डिस्ट्रॉयर वेयर हेरल्ड एंड सिग्निफाइड मेक ओवर ऑफ PIS-50 को और तक लास्ट डिस्ट्रॉयर्स। शिप उदयगिरी इज नेम्ड एज द माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट, जो उदयगिरी जो शिप थी वो माउंटेन रेंज में आंध्र प्रदेश की थर्ड शिप थी और ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर फ्रेगेट किया गया था। नेक्स्ट फ्रांस नेवल ग्रुप अनाउंस दैट इट इज़ अ विदड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया नेवल P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट। इन जून 1999 द कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी हैड अप्रूव्ड अ प्लान फॉर द इंडियन नेवी टू इंडक्ट इंडिजिनियस बिल्ट एंड इंडक्ट सबमरीन्स इन बाय, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू टू पीसेस। जो जून 1999 में कैबिनेट कमेटी बैठी थी तो उन्होंने प्लान किया था कि इंडियन नेवी को इंडिजिनियसली बिल्ट करेंगे सबमरीन्स 2000 तक, और उसे ब्रोकन दो फेजेस में इसको ब्रोकन करेंगे P-75 एंड P-75-1। फर्स्ट सबमरीन अंडर द प्रोजेक्ट वाज कमीशन इन दिसंबर, जो फर्स्ट सबमरीन बनाई गई थी वो कमीशन की गई थी दिसंबर 2017 में। सब्सिक्वेंटली द अदर फाइव हैव बिल्ट ऑन द 20 अप्रैल को INS वागशीर वाज लॉन्च एंड वुड बी कमीशन इन 2023 में, उन्होंने बताया गया कि INS वागशीर लॉन्च कर देंगे हम। नेक्स्ट फास्ट पेट्रोल वैसल INS कमला देवी लॉन्च इन कोलकाता, फास्ट पेट्रोल वैसल INS कमला देवी नेम्ड आफ्टर सोशल फॉर्मर एंड फ्रीडम एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर LTD इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद TWL फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। जो फर्स्ट जो नेम पड़ा ये कमला देवी INS ICGS कमला देवी, ये नेम पड़ा एक सोशल रिफॉर्मर औरत थी जो कि फ्रीडम एक्टिविस्ट थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका नाम था असली, एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है। द वैसल वाज क्रिश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी बाय नीला पठानिया वाइफ ऑफ IGS डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये कमला देवी जो नील पठानिया वाइफ ऑफ IGC डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया की पत्नी है। नेक्स्ट 23 मई को जो अपडेट आई थी नई, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल COPRAT कॉमर्स हुआ था। द पेट्रोलिंग ड्रिल कॉमर्स इन द नॉर्थन वे ऑफ बंगाल एंड कॉन्टिन्यू ऑन May 23। जो पेट्रोलिंग हुई थी ड्रिल कंसर्न हुई थी तो वो नॉर्थन वे ऑफ बंगाल और कंटिन्यू हुई थी May 22-23 में। इंडियन नेवी इंडिजीनियस वारशिप INS कोर एंड INS सुमेधा अलोंग विद बांग्लादेश नेवी वारशिप अली हैदर एंड BNS अबू उदिबा वो टच द वाटर ड्यूरिंग पेट्रोलिंग। जो अबू उदयदात और ऐदर
अली थे, अली हैदर, उन्होंने वाटर को टच किया था पेट्रोलिंग के इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे। INS गोमती वाज डिकमीशन एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। तो दोस्तों INS गोमती ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द विक्रांत रिवर गोमती एंड इज कमीशन ऑन 16 अप्रैल 1998। द डिफेंस मिनिस्टर KC पंत एंड मैंने डॉकयार्ड बॉम्बे, इनके जो INS गोमती ड्राइव नेम किया है विक्रांत रिवर गोमती से और कमीशन किया है 16 अप्रैल 1988 में डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा KC पंत एट काम किया गया था माजगोवा डॉक लिमिटेड बॉम्बे। द थर्ड शिप ऑफ गोदावरी क्लास गाइड इन मिसाइल फ्रेजर्ड INS गोमती वाज आल्सो ओल्डेस्ट वॉरियर ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट विद डिकमीशनड। तो दोस्तों ये थर्ड शिप थी गोदावरी क्लास की, तो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की गई थी INS गोमती और ओल्डेस्ट वॉरियर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।